भ्रष्टाचारी मंत्री इस्तीफा करो, भ्रष्टाचारी मंत्री इस्तीफा करो, भ्रष्टाचारी मंत्री इस्तीफा करो। चलिए बोलिए। आज शिक्षा मंत्री जो पद और गोपनीयता का उल्लंघन किए, सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पद और गोपनीयता का जो शपथ लेते हैं और वो बात कैबिनेट के पहले लीक करते हैं अपने ट्वीट के माध्यम से, और जो व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक विरासत का अपमान करता है, जिसके आचरण और व्यवहार से बिहार के छात्रों के ऊपर अंधकारमय वातावरण बनेगा, इनसे कोई बिहार का सांस्कृतिक विरासत न गौरवान्वित होगा और न बच्चों के बीच अच्छा संदेश जाएगा। हमने सदन में इन्हें खेद व्यक्त करने के लिए कहा, लेकिन इन्होंने खेद व्यक्त नहीं किए और जो पद गोपनीयता का भी शपथ का अपमान किया है, इस मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। इनके भाषण का कोई महत्व नहीं है, शिक्षा विभाग के मंत्री के रूप में इनका कोई औचित्य नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने भी सांस्कृतिक विरासत के विरुद्ध बोलने के लिए मना किया और उसके बाद भी इन्होंने क्षमा नहीं मांगा, बार बार वो विषय दोहरा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपके कैबिनेट में सहयोगी आपका अपमान कर रहा है, संविधान के अंदर के प्रावधानों का अपमान कर रहा है। ऐसे गैर संवैधानिक व्यक्ति को इस पद पर बनाए रखना बिहार के लिए दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। इस व्यक्ति का इस्तीफा हर हाल में माननीय मुख्यमंत्री करे। तमिलनाडु की घटना को लेकर तेजस्वी ने कहा है कि बीजेपी के लोगों की इसमें भूमिका है, हम पहले से कह रहे हैं, माफी मांग ले। आज भी मैंने खुल के कहा है, हिम्मत तो मुख्यमंत्री से क्षमा मंगवावे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल कमेटी गठित किए और वो कमेटी तमिलनाडु के अंदर भेजे है, अखबारों के माध्यम से उन्होंने जानकारी लिया था। नेता प्रतिपक्ष के रूप में क्या क्या बोलते थे मजदूरों के बारे में कि मजदूरों का दोहन शोषण होता है। आज तमिलनाडु में मजदूरों के साथ क्या हो रहा है, आज हिंदुस्तान पेपर से लेके कई मजदूरों ने खुद बकदब दिया। आज रेलवे ट्रैक पर बिहारी लेबर का लाश कैसे पड़ा, आज मोनू कुमार और पंकज यादव का लाश आया, उस पर एक जांच कमेटी क्यों नहीं गठित कर रहे हैं? क्यों बिहार के मजदूरों का अपमान पर उसको दाब कर ये गर्व महसूस कर रहे हैं? मैं उन्माद पैदा नहीं करता हूं, मैं तो एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र की बात करता हूं, लेकिन बिहार की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। ये लोग सत्ता के लिए समझौता करने वाले लोग हैं, सत्ता के लिए किस हद तक नीचे गिर सकते हैं? सत्ता में बैठकर भ्रष्टाचार और मलाई खाने वाले लोग बिहार की अस्मिता, बिहार के युवाओं और बिहार के श्रमिकों का अपमान करना बंद करें। प्रेस मीडिया पर आवाज बंद करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप विशेष कमेटी गठित करिए और बिहार के मजदूरों के साथ जो लोगों ने कहा कि 6-6 महीना काम करते हैं, 3-4 महीना का वेतन मिलता है, वेतन नहीं देता है, रोक के रखता है, बंधुआ मजदूर के तरह दोबारा हमको काम करने के लिए बात करता है, ये तमाम विषय पर आप जांच कमेटी बनाने के बजाय, सदन में वक्तव्य देने की बजाय मुख्यमंत्री ने अपनी गंभीरता दिखाई तो लजा करके आप बात को बरगलाने में लग गए। सत्ता में बैठकर प्रेस मीडिया के लोग को या जनप्रतिनिधियों का आवाज नहीं दबा सकते। हम अफवाह और भ्रम फैलाना नहीं चाहते। हमने तो प्रेस मीडिया में कहा था कि अपुष्ट सूत्रों से पता चल रहा है, सरकार की जिम्मेवारी है इसकी जांच कराना, सरकार ने जांच की कमेटी भेजी, ये अफवाह नहीं था। ये वहाँ के मजदूरों का जो बयान आ रहा था, लोग ने जो देखा, जो समाचार पत्र में पढ़ता है, जो मीडिया में चलता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, उसके आधार पर सदन में बात उठती है।
है तो इनको व्यक्त करना चाहिए कि आज इनके निकम्बापनी भ्रष्टाचार अपराध के कारण हमारे युवा नौजवान श्रमिक पलायन कर रहे हैं, उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। ये भ्रष्टाचारियों की जमात के कारण आज बिहार कहीं न कहीं शर्मसार हो रहा है।